अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि माल्टे के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और एक इसके खाने के बाद आपने कौन सी चीज़ नहीं खानी, अगर आप खाएंगे तो आपको क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से विटामिन होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसका फ़ायदा और नुकसान हमारे जिस्म को होता है। ठीक है, इसमें फ़ाइबर होती है, शुगर होती है, प्रोटीन होती है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, पोटाशियम होती है। ठीक है, ये हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसका हमारे जिस्म पे क्या क्या फ़ायदा होता है। ये जो हमारे सेल्स होते हैं जिस्म में, ब्लड सेल्स वगैरह, इसको जो है डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद हमारी स्किन की जो है ये हिफाजत करता है, स्किन को फ्रेश रखता है। ठीक है, उसके बाद खून की कमी होने से बचाता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है, उसको ताकत देता है। ठीक है, और कैंसर से बचाता है ये, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कैंसर से बचाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये जो है अगर आप ज़्यादा खाते हैं, आपको पता है हमारे माशरे में जो है हमारी आदत है, जो भी चीज़ हमें मिलती है हम ज़रा ज़्यादा मतलब एक बार ही खा लेते हैं, कोई भी चीज़ है बस उसको उसके पीछे लग जाते हैं, वही दिल भर के पेट भर के खानी है, तो ऐसा नहीं आपने करना। ये जो अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको आपके मैदा जो है उसको डिस्टर्ब करता है, उसको जकड़ लेता है। उसके बाद जो है जिस तरह पट्ठों का खचाव होता है वो होगा आपको, उसके बाद जो है हार्ट अटैक हो सकता है, मोशन उल्टी, दिल ख़राब होना, ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इसकी जो है मकदार कितनी होनी चाहिए डेली, डेली आप 2 से 3-4 अदद जो है आप एक दिन में खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाना, इससे ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद जो है जब भी आप देखते हैं, आपने अपने बच्चों को देखना है, आप खुद खाते हैं, तो आपने कभी भी माल्टा खाने के बाद जो है अंडा नहीं खाना, अंडा नहीं खाना और चाय नहीं पीनी। अगर आप अंडा खाते हैं तो या चाय पीते हैं तो उसके साथ जो है इसमें जो है विटामिन्स और जो है प्रोटीन वगैरह होती हैं वो आपकी ब्लड जो शरियाने वगैरह हैं हमारे दिल की और पट्ठों वगैरह में जिसमें में जहाँ जहाँ भी शरियान हैं ब्लड गुजरता है तो उसमें जो है क्लाटिंग हो सकती है, उससे फिर जो है आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो कभी भी आपने जो है माल्टे के बाद अंडा नहीं खाना, और आपको इसकी जो मकदार है उसका भी आपने ध्यान रखना है कि कितनी मकदार में, जो आपको बताई है 3-4 से ज़्यादा आपने कभी नहीं खाना। अगर खाने हैं तो वक्फे से खा सकते हैं, 2 आपने सुबह खाए हैं, 2-3 घंटे बाद खा सकते हैं, 2 इस तरह करके वक्फे के साथ आप खा सकते हैं, एक साथ जो है आपने 4 से ज़्यादा नहीं खाना। तो उम्मीद है कि आपको माल्टे के बारे में काफ़ी मालूमात मिल गई होगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।